चलिए अब इसके आगे ना अपन यहाँ पर कहानी समझते हैं। अच्छा, हमने बताया वस्तु छोटी हो, बड़ी हो, भारी हो, हल्की हो, कोई भी हो, यहाँ तक पहुँचने में सबके लिए टाइम क्या लगेगा? बराबर। इसके बाद हम बात करेंगे गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण, यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं गति के समीकरण के बारे में। देखिए, गति का समीकरण ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन क्या है ना यहाँ पर कि चीज़ें थोड़ी अलग हो गई हैं, जो हम पीछे पढ़े थे पहले चैप्टर में उससे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग है कि गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण, गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण। ठीक है ना, ये चीज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसकी है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ये चीज। अब यहां पर समझिएगा, देखिए, जैसे अगर हम गति के समीकरण की बात करें तो आपको याद हो तो पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता था, ये बिल्कुल, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होता था हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये होता था। तीसरा समीकरण हमारा होता था यहाँ पर कि v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये होता था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो v हमारा होता था अंतिम वेग, v क्या होता था, अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ये होता था। यहीं पर अगर बात करें u की तो u हमारा होता था प्रारंभिक वेग, क्या होता था, प्रारंभिक वेग, ये होता था। अगर a की बात करें तो a होता था त्वरण, क्या होता था, त्वरण या रेखीय त्वरण इसको बोलते हैं। t यहाँ पर होता था हमारा समय, t क्या होता था, समय। अगर यहाँ पर हम बात करें s की तो s को हम बोलते थे दूरी या फिर विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये बोल देते थे, दूरी या विस्थापन ये बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण अगर मुझे ये लिखना पड़ जाए तो फिर ये कैसे लिखेंगे, जरा इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, हम ना v के जगह v ही लिखते हैं यहाँ पर, u के जगह u ही लिखते हैं, मतलब इसमें, ये तो वो था रेखीय समीकरण की बात, अब गुरुत्वीय के अंतर्गत या गुरुत्व के अंतर्गत बात करते हैं तो v के जगह v रखेंगे, u के जगह u रखेंगे। इसके बाद a की जगह हम रखेंगे g, यहाँ पर a त्वरण होता था, रेखीय त्वरण बोला जाता था, और इसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर s ये दूरी या विस्थापन होता था, इसकी जगह h रखेंगे, ये आपका ऊंचाई बताएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसके बाद समय की बात करें तो t, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे t। अब इसके हिसाब से जो गति का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा उसको देखिए। तो पहले की बात करें तो v इज इक्वल्स टू यू, देखिए v इज इक्वल्स टू यू, ठीक है, प्लस प्लस ए की जगह अब क्या रखेंगे, जी रखेंगे, तो जी, और टी की जगह टी रखेंगे। तो जो अब गति का पहला समीकरण बनेगा वो बनेगा वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये बनेगा। ठीक है, अगर हम सेकेंड यानी कि दूसरे की बात करें तो ये बनेगा, देखिए एस, लेकिन एस की जगह हमें रखना है एच इज इक्वल्स टू यू, तो यू की जगह यू, फिर टी प्लस हाफ, तो हाफ, अब ए की जगह हम रखेंगे जी, तो हाफ जी टी का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थर्ड की बात करें तो थर्ड इक्वेशन हमारा बनेगा वी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू, अब देखिए ए की जगह क्या रखेंगे, जी, और एस की जगह रखेंगे एच, तो वी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। तो देखिए, इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। आप इसे याद रखेंगे
तो अब जाके इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप आराम से कर लेंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसा हम जानते हैं कि अगर इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इसके विपरीत क्या लेंगे, निगेटिव, ये चीज़ पता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि नीचे किसी चीज़ को अगर प्लस में लेते हैं या फिर आप माइनस में ले लीजिए, नीचे अगर माइनस में लेते हैं तो ऊपर की तरफ आपको किस में लेना पड़ेगा, प्लस में, यानी कि पॉजिटिव ये लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा और आगे की कहानी अब ध्यान से समझते हैं। अच्छा, अगर जी की बात करें तो जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और नीचे वाले को हम ले रहे हैं निगेटिव, तो जी की जगह जी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे माइनस जी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो, देखिए अगर आ रही है तब तो ठीक है, ये केस तब बनता है जब एक ऊपर की तरफ हो और एक नीचे की तरफ हो। चाहे तो आप नीचे वाले को ही पॉजिटिव ले लीजिए तो फिर ऊपर वाले को आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये हमारे हाथ में होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम अपनी आगे की कहानी शुरू करते हैं और आगे हमारा इसमें अब न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं। उसके पहले इसे हम इरेज करते हैं। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 10.2 ज़रा देखिए। देखिए 10.2 क्या दे रखा है, बोल रहा है एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। पहला है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, दूसरा है 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, तीसरा है धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। ये क्वेश्चन सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई कार है, मतलब ये कगार है, मतलब आप ना ये ऐसे मान लीजिए खाई है, ठीक है ना, यहाँ से ये गिरता है और ये धरती फिर है। तो यहाँ से कोई कार गिरता है और 0.5 सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है वो 0.5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि यहाँ पर जी का मान, जी के मान को बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ले लीजिए। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, शुरुआत में ये कार ना रुकी हुई थी और इसीलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। हमसे पहले में पूछा है कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, मतलब यहाँ पर जब ये कार टकराएगी ना तो इसकी चाल क्या होगी, ये हमसे पूछा है। यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है, गिवन डाटा में अगर बात करें तो आपको क्या क्या दिया है, यू की वैल्यू दिया है ज़ीरो है, टी की वैल्यू दिया है 0.5 सेकेंड है, ये है, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, यहाँ पर हमसे V की वैल्यू पूछ रहा है कि V आखिर कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप पहले समीकरण को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो इसका सब कुछ, मतलब नीचे की तरफ आ रही है ना, तो सबको पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन अगर एक नीचे आए, एक ऊपर जाए और एक नीचे आए, तो एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो देखिए U की वैल्यू, अगर बात कर रहा है कि V पूछा है आपको कौन सा समीकरण यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो गति का पहला समीकरण आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि V इज इक्वल्स टू होता है U प्लस जी की, A की जगह G और ये T, ये हमसे V की वैल्यू पूछा है, तो V बराबर U की वैल्यू कितनी दे रखी है, ज़ीरो, और G की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो ये 10 लेंगे। देखिए नीचे की तरफ ही बात हो रही है इसीलिए हमने G को प्लस में ले लिया है, और टाइम की बात कर रहे हैं 0.5, ये तो V इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 पचे 50 यानी कि 5 आएगा, यानी V की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो कार है ना वो धरती से जब टकराएगी तो ये टकराएगी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई।
चलिए पहला पॉइंट बिल्कुल, पहला पार्ट बिल्कुल इजी था, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अंतिम वेग बटे में दो, बटे में दो, यानी कि u प्लस वी बाई टू, ये होता है। u की बात की जाए तो u की वैल्यू कितनी है, जीरो दे रखी है, तो आप जीरो रखिए यहाँ पर। v की बात करें तो v की वैल्यू कितनी है, फाइव, तो फाइव रखिए, और बाई टू डिवाइड करेंगे तो 5 बाई टू, यानी कि ये आएगा 0.2 ये आएगा 2.5, तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम गाड़ी के औसत चाल की बात करें तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में थर्ड पार्ट की, इसको हम हटा देते हैं ना। ये आपको पता चल गया v की वैल्यू कितनी है, 5। चलिए थर्ड पार्ट अपने से क्या दे रखा, पूछ रहा है कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि ये हमसे ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि हाइट। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई की बात कर रहा है। अगर गति के समीकरण में देखा जाए तो दो जगह दिया था, दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण में ऊंचाई की बात किया है। आप चाहें तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चाहें तो दूसरा समीकरण यूज़ करें, तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। h हमसे पूछा है, u की वैल्यू ज़ीरो है, t की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 प्लस हाफ जी की वैल्यू आप 10 देख रहे हैं और टी की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए तो देखिए एच बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, प्लस हाफ यानी कि 2 × 10 आ जाएगा, तो अब बचा 1 × 5 × 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.5 × 0.5, ये होगा। यहाँ से जब करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, देखिए 25 और 25 आई एम 125 आएगा, जब ये गुणा करेंगे तो 1.25 मीटर आएगा। यानी कि हम ये बोलेंगे कि कगार से जो ज़मीन की ऊंचाई है ना, वो 1.25 मीटर के बराबर है। कहानी समझ में आई। तो देखिए ये क्वेश्चन इजी था, टफ बिल्कुल नहीं था, आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ जी, चलिए अब हम 10.3 की बात करते हैं। 10.3 क्या दे रखा है, इसको देखिए। ये बोल रहा है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, परिकलन करिए। बोल रहा है फर्स्ट में कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, दूसरा बोल रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। कहानी को ज़रा समझिएगा, जब हम किसी पिंड को नीचे से फेंकते हैं ना और वो ऊपर जाता है, तो अगर वो अधिकतम ऊंचाई जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग ज़ीरो होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ को फेंकेंगे और जितना अधिकतम जाएगा वहाँ पर इसका अंतिम वेग ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग यू, ये सॉरी प्रारंभिक वेग यू मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग यू था। इसके बाद हमसे बोल रहा है और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो 10 मीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, वो 10 मीटर है, इतनी ऊंचाई तक ये पहुँचा है। आप ये बताओ पार्टिकल को आप फेंक किधर रहे हो, ऊपर की तरफ, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, और जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। जी हमेशा किधर लगेगा, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो जी नीचे की तरफ लगेगा और आप फेंक रहे हो पार्टिकल को ऊपर की तरफ,
तो ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाले को आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, प्रारंभिक वेग की बात करें तो यू है, ठीक है ना। अंतिम वेग की बात करें तो वी है, वी की वैल्यू जीरो दे रखी है। अगर इसकी बात करें तो ऊंचाई एच की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर तक ये जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जी की बात करें तो जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले को इसको आप अगर पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे, तो इसे आपको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आराम से यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यू की वैल्यू। देखिए दिया क्या है, एच दिया है, यू पूछा है, वी दिया है, जी दिया है। तो यहाँ पर समय की बात नहीं किया है, इसीलिए आप पहले और दूसरे समीकरण को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना है यहाँ पर तीसरे समीकरण को। तो तीसरे को यूज़ करेंगे तो एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, एच की वैल्यू 10 है तो 10 ले लीजिए। U की वैल्यू पता नहीं, लेकिन T की वैल्यू क्या है, एक मिनट, हम गलत समीकरण रख दिए हैं, ये नहीं होगा, ये तीसरा होगा ना, हम दूसरा रख रहे हैं, तीसरा। तो तीसरा हमारा क्या होता था, V का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये होता था। तो V की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर लीजिए। U की वैल्यू पूछा है तो ये प्लस में 2। अब g की वैल्यू आप क्या लेंगे, -10, तो लेंगे यहाँ पर -10। और h की वैल्यू आप देखिए 10 दे रखा है, h की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 बराबर आप लिखेंगे u स्क्वायर, माइनस और प्लस क्या होगा, -2, 10 दहाँ पे 100 दूनी 200, तो यहाँ पर आप 200 रख लीजिए। एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए, तो 200 बराबर आ जाएगा आपका u का स्क्वायर, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि u स्क्वायर बराबर 200, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा, √200, और √200 को हम लिख सकते हैं 10√2, ठीक है ना। और आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। अच्छा, इसको याद कैसे रखते हैं, ये जरा देखिए, इसको √2 की वैल्यू याद रख सकते हैं कि आई 4 को लव, 1 को अ, 4 को गर्ल। तो आप ना, जैसे अगर आपको याद ना हो √2 की वैल्यू, तो आप लिख लीजिएगा आई लव अ गर्ल, यानी कि 1414, ठीक है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अब यानी कि आपको पता चल गया कि √2 की वैल्यू क्या होती है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 14.14 आएगा, यानी कि जो पार्टिकल है ना, उसको इतने 14.14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, या 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, आप ये कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट, अच्छा, यू की वैल्यू तो मिल गई ना, यू की वैल्यू कितनी है, आप 10√2 ले लीजिए, 10√2 मीटर पर सेकेंड, आप इसे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे की कहानी समझते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल को यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि समय, अब यहाँ पर टी हमसे पूछ रहा है कि टी की वैल्यू क्या होगी। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको सब कुछ दे रखा है, इसी के बारे में पूछ रहा है, तो हम पहला समीकरण भी लगा सकते हैं, यानी कि वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, हम ये यूज़ कर सकते हैं। वी की वैल्यू कितनी है, 0, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10√2, तो आप 10√2 ले लीजिए। प्लस में जी की वैल्यू आप लेंगे -10, और टी की वैल्यू तो हमसे पूछा है, यही है ना। तो यहाँ पर 0 बराबर आप लेंगे 10√2, माइनस प्लस क्या होगा, -10t आएगा,
माइनस से इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि टेन टी बराबर ये आ जाएगा टेन रूट टू, यानी कि टी बराबर आपका आएगा टेन रूट टू बाई में टेन, टेन से टेन कैंसिल हो गया तो रूट टू सेकेंड। अच्छा, रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू को हम लिख सकते हैं 1.414 सेकेंड, यानी कि इस पार्टिकल को जिसको हम 10√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं वो 10 मीटर तक पहुंचने में 1.414 सेकेंड का समय लेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, इस तरीके से हम आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मतलब आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोगों को थैंक्स।